नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मिश्रा और मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल माई पाठशाला में और पाठशाला रेलवे एग्जाम में। रोज की तरह आज भी आपके लिए करंट अफेयर्स लेकर आ गया हूं। तारीख है आज, हाँ 13 जून आज तारीख है और आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके सामने है। एक बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है, हो सकता है कि किसी भी प्रश्न पत्र में आपसे पूछ लिया जाए। विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 के नामों की घोषणा हुई है कि इस बार ये पुरस्कार किसको दिया जाएगा और इसके बारे में चर्चा करते हैं। आइए लेके चलते हैं सीधे आपको इसी न्यूज की तरफ। तो भारतीय अमेरिकी मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर रतन लाल, कौन? डॉक्टर रतन लाल को मिला है प्रतिष्ठित 2020 का विश्व खाद्य पुरस्कार। इन्होंने, कहा जाता है कि इन्होंने जो काम किया है वो 4 महाद्वीपों में किया है और इसकी वर्तमान समय में ये ओहियो यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं। तो हाल फिलहाल विश्व खाद्य पुरस्कार जो है वो कृषि के क्षेत्र में नोबल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है, यानी कि कृषि के क्षेत्र में नोबल पुरस्कार के समकक्ष जो पुरस्कार है उसे कहा जाता है विश्व खाद्य पुरस्कार, यानी फूड प्राइज 2020। कुछ विचार सुनते हैं रतन लाल जी के बारे में। रतन लाल जी एक प्रसिद्ध मृदा वैज्ञानी हैं और कहा जाता है इनके प्रयासों की वजह से जो छोटे किसान हैं, जो उनके पास ज़्यादा बड़ी जमीन नहीं हो पाती थी और मृदा विज्ञान के चलते वो छोटी सी अपनी ज़मीन पर ही ज़्यादा फसल उगाने लगे, क्योंकि मृदा टेक्नोलॉजी यानी कि जो सॉयल टेक्नोलॉजी है वो उनको समझाई गई। डॉक्टर रतन लाल के अनुसार, रतन लाल लिखते हैं, आई बिलीव सॉयल इज ए लिविंग थिंग, मैं विश्वास करता हूँ कि जो मिट्टी है वो जीवित है और इसी तरह से जैसे हम अन्य लोगों की रक्षा करते हैं, अन्य जीवों की रक्षा करते हैं, हमें मिट्टी की भी रक्षा करनी चाहिए और उसकी देखभाल करनी चाहिए। तो हाल फिलहाल इस पुरस्कार ने छोटे किसानों को मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करके वैश्विक खाद्य आपूर्ति को बढ़ाने में उनके योगदान को मान्यता मिली है। डॉक्टर रतन लाल को खाद्य उत्पादन बढ़ाने और प्राकृतिक संसाधनों को पुनर्स्थापित करने और जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए मिट्टी केंद्रित जो दृष्टिकोण विकसित करने और मुख्यधारा में लाने में उनकी मुख्य भूमिका के लिए सम्मानित किया जाता है, क्योंकि ये शायद अकेले ऐसे मृदा विज्ञानी हैं जिन्होंने फसल के मामले में, हमारे भोजन के मामले में मिट्टी की ओर लोगों का ध्यान खींचा कि हम मिट्टी में भी परिवर्तन करके उसकी मृदा शक्ति को बढ़ाकर, उसकी उपजाऊ क्षमता को बढ़ाकर हम और ज़्यादा उत्पादन कर सकते हैं। वैसे तो इस पुरस्कार की जो घोषणा है वो काफ़ी समय से हो रही है। 1987 में इस पुरस्कार को पहली बार दिया गया था और ये पहला पुरस्कार भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को दिया गया था। इसके अलावा कुछ और पुरस्कार हैं जिनको लगभग नोबेल पुरस्कार का दर्जा प्राप्त है, क्योंकि जो नोबेल पुरस्कार हैं वो सभी क्षेत्रों में नहीं दिए जाते। जैसे मैथ के क्षेत्र में नहीं दिया जाता, मैथ के क्षेत्र का जो नोबेल प्राइज माना जाता है उसे एबल प्राइज कहते हैं। इस बार एबल प्राइज 2 लोगों को दिया गया है, हिलेल फ्रस्टनबर्ग जो कि इसराइल से हैं और ग्रेगरी मार्गुलिस जो कि यूएसए यानी कि अमेरिका से हैं। इसी तरीके से आपका एशिया का नोबेल कहा जाने वाला रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है वो इस बार रवीश कुमार को दिया गया है। टाइलर प्राइज जिसे इन्वायरमेंट का यानी कि पर्यावरण का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है वो इस बार पवन सुखदेव जी को दिया गया है। और प्रिटजर आर्किटेक्चर पुरस्कार जिसे आर्किटेक्चर का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है वो मिला है वॉने फेरेल एंड शैली मैकनामारा जो कि आयरलैंड की रहने वाली है। इससे आपके पुराने प्राइज भी मैंने थोड़ा सा रिवाइज करा दिए ताकि आपको थोड़ा सा ध्यान बना रहे। एक बार लाइन से फिर से नजर डाल दीजिएगा, एबल प्राइज हिलेन फ्रस्टनबर्ग, ग्रेगरी मार्गुलिस, रेमन मैक्सेसे, रवीश कुमार, टाइलर प्राइज आपका पवन सुखदेव और प्रिटजर आर्किटेक्चर प्राइज आपका यूएन फारेल एंड शैली मैकनामारा। अगली जानकारी की तरफ चलते हैं। सरकार ने कुछ समय पहले ऐसी घोषणा की थी कि वो बांस पर आयात शुल्क बढ़ा देंगे। देखिए, देखा जाए तो बांस का जो उत्पादन है वो भारत में कई जगह पर होता है, लेकिन सबसे ज्यादा उत्पादन भारत में जो बांस का उत्पादन होता है वो आपका पूर्वोत्तर राज्यों में होता है। पूर्वोत्तर राज्यों में भी असम इसमें पहले स्थान पर आता है। असम में बहुत ज्यादा मात्रा में बांस का उत्पादन होता है। 2018 में बांस मिशन लेके आया है सरकार, राष्ट्रीय बांस मिशन लेके आया है। उसका जो मेन मोटिव था सरकार द्वारा बांस मिशन लाने का, नेशनल बैम्बू मिशन लाने का, वो ये कि जो भी बांस की खेती करते हैं उनकी आजीविका या उनका जो भी जीविकोपार्जन है उसको थोड़ा सा बेहतर स्थिति में लाना, उनकी आय को थोड़ा सा बढ़ाना। देखा जाए तो एक बांस के पेड़ को तैयार होने में 3 से 4 साल का समय लगता है और उसके बाद वो उपयोगी अवस्था में आ पाता है, लेकिन एक बांस के प्लांट को पूरा तैयार होने में लगभग 240 रुपये का खर्च आता है, एक अनुमानित आंकड़ा है, सरकारी आंकड़ा। तो नेशनल बैम्बू मिशन के जरिए प्रत्येक प्लांट के लिए 120 रुपये सरकार की तरफ से मिल लेते हैं। यानी आप ऐसा समझ सकते हैं कि अगर आप बांस की खेती करना चाहते हैं तो 50% आपको सरकार की तरफ से मिलेगा, 50% आपको खुद अरेंज करना पड़ेगा। 50% में भी 60% जो है वो केंद्र सरकार द्वारा मिलता है और 40% जो है वो राज्य सरकार द्वारा मिलता है। तो इस तरह से ये नेशनल बैम्बू मिशन जो है भारत में बांस के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किया गया था।
इसमें एक नया कदम और सामने आया है कि भारत ने जो इसका आयात शुल्क है वो 10% से बढ़ाकर 25% कर दिया। 10% से 25% करने का सीधा सा मतलब ये हुआ, आयात का मतलब होता है मंगाना, निर्यात का मतलब होता है भेजना। तो जब आप बांस बाहर से मंगाएंगे तो जिस पर आपको 10% टैक्स पड़ता था अब उस पर 25% टैक्स मिलेगा पड़ेगा, यानी बांस बाहर से मंगाना महंगा हो गया। अगर बांस बाहर से मंगाना महंगा हो गया है तो जाहिर सी बात है हम क्या करेंगे, हम अपना लोकल दुकानदारों से खरीदना शुरू करेंगे, जिससे भारत में इसके उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। और सीधा सा मतलब यही है कि देश को आत्मनिर्भर बनाने का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी नारा दिया है उसी ओर एक ये कदम बढ़ाया गया है। तो हाल फिलहाल सरकार ने बांस पर आयात शुल्क 10% से बढ़ाकर 25% कर दिया है। इसका मकसद अगरबत्ती निर्माताओं को घरेलू बांस का उपयोग बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना है। आयात शुल्क बढ़ाए जाने से स्थानीय बांस किसानों को लाभ मिलेगा और साथ ही अगरबत्ती उत्पादन में लगे सूक्ष्म लघु मध्यम को भी फायदा होगा, उद्योगों को भी फायदा होगा, क्योंकि पहले केवल बड़े अगरबत्ती विनिर्माता ही कम कीमतों पर बांस का आयात करने में सक्षम थे। आत्मनिर्भर भारत बनाने में के लिए उन्हें घरेलू बांस का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना है। तो ये थोड़ी सी न्यूज आपको इसलिए नेशनल बैम्बू मिशन से संबंधित है। नेशनल बैम्बू मिशन 2018 में लाया गया, भारत में बांस का उत्पादन बढ़ाने और उसके ऊपर जो भी डेवलप है, जो भी उसके उद्योग उस पर आधारित है, उसको थोड़ा सा आगे लेके आने के लिए एक और कदम मील का पत्थर साबित होगा। 10% से बढ़ाकर 25% आयात शुल्क कर दिया गया है। अगली जानकारी तक चलते हैं। अगली जानकारी है UAE मंगल पर अपना पहला मिशन भेजने की तैयारी कर रहा है। UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात अगर ऐसा कर लेता है सफलतापूर्वक, क्योंकि अभी तक सिर्फ भारत ही एक ऐसा देश है जिसने पहले प्रयास में, जी हां मैं अभी आपको पूरा डेटा दिखाता हूं, पहले प्रयास में ही मंगलयान पहुंचा दिया था 2013 में। चलिए फिलहाल UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात ने घोषणा की है कि वह 14 जुलाई को अपना होप मार्स मिशन लॉन्च करेगा। ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस लॉन्च के साथ ही UAE मंगल ग्रह पर इस प्रकार का मिशन लॉन्च करने वाला पहला अरब देश बन जाएगा। और यह भी मत है कि सिर्फ UAE के लिए महत्वपूर्ण नहीं होगा बल्कि पूरे अरब क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण होगा। साथ में UAE ने यह भी घोषणा की है कि इस मिशन के सक्सेसफुल हो जाने के बाद जो जानकारी वहां से आएगी वो मैं सार्वजनिक मंच पर उपलब्ध कराऊंगा। ऐसा नहीं है कि मैंने मंगल मिशन छोड़ा है तो जो जानकारी सामने आई तो वो सिर्फ और सिर्फ मैं रखूंगा। तो ये एक बड़ा सराहनीय कदम है UAE का। वैसे तो अगर देखा जाए तो इस परियोजना की शुरुआत 2014 में हुई थी। फिलहाल इसका जो अंतरिक्षयान जो लॉन्च किया जाएगा वो जापान से लॉन्च किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि UAE के अनुसार इस मिशन से मंगल ग्रह को लेकर जो भी जानकारी प्राप्त होगी वह सार्वजनिक मंच पर उपलब्ध होगी और इसका प्रयोग विभिन्न संस्थाओं द्वारा भविष्य के अध्ययन के लिए किया जा सकेगा। तो हाल फिलहाल मिशन 14 जुलाई को अपनी यात्रा शुरू करेगा और फरवरी 2021 तक मंगल ग्रह पहुंच जाएगा, ऐसी जानकारी है। तो UAE मंगल मिशन लॉन्च करने जा रहा है, लेकिन अभी तक जितने भी मंगल मिशन हुए हैं आइए 2 मिनट में उनके इतिहास पर नजर डालते हैं। ऐसा पहला मौका नहीं है कि जब किसी ने मंगल ग्रह पर शुरुआत की। मंगल ग्रह पर जाने की शुरुआत हुई थी 10 अक्टूबर 1960 को, जब एक फ्लाई बाई मिशन मतलब मंगल के पास से गुजरने वाला एक मिशन लॉन्च किया गया, ताकि जो रॉकेट है, जो यान है, वो मंगल के पास से गुजरकर आएगा। और ये फेल्ड हो गया था क्योंकि लॉन्च फेलियर हुआ था इसमें। और ये सोवियत यूनियन द्वारा पहला प्रयास किया गया था। पहला सक्सेसफुल जो मिशन रहा वो मैरिनर भी आप इसे कह सकते हैं, 28 नवंबर 1964 को नासा यानी यूनाइटेड स्टेट ने एक फ्लाई बाई मिशन भेजा था। फ्लाई बाई मिशन का मतलब दूर से छूके, मतलब ऐसे पारा छूके वापस आ जाना, मतलब घूम फिर के वापस आ जाना। और ये पहला फ्लाई बाई मिशन था मंगल ग्रह पर जो सफल हुआ। 15 जुलाई 1965 को यह पहुंचा। 28 नवंबर 1964 को लॉन्च किया गया मैरिनर, ध्यान रखिएगा मैरिनर फोर जो था ये पहला मिशन था जो मंगल ग्रह के पास तक पहुंचा नासा द्वारा। नासा ने भी इससे पहले प्रयास किया लेकिन वो फेल हो गया था 1964 को, 5 नवंबर 1964 को। फिर उन्होंने 28 नवंबर 1964 को एक और मिशन भेजा, वो सफल हो गया था। इसके बाद और हुए, पहला जो लैंडर था मार्स में, यानी कि मंगल ग्रह पर जो पहली बार किसी ने लैंड कराया, वो सोवियत यूनियन ने लैंड कराया था। पहला लैंडर मिशन जो था वो सक्सेसफुल रहा 28 मई 1971 को, और इसका नाम था मिशन का मार्स 3 लैंडर। तत्पश्चात पहला ऑर्बिटर मार्स, ये नासा ने शुरू किया था। ऑर्बिटर का मतलब होता है एक ऐसा सैटेलाइट छोड़ देना जो मंगल के चारों ओर चक्कर लगाता रहे। तो इस तरीके से मैरिनर 9 मिशन जो था ये 30 मई 1971 को पहला ऑर्बिटर मिशन था जो लॉन्च किया गया। इसके बाद पहला, ये मतलब ये मील का पत्थर साबित हुआ, इसके वजह से हमें मंगल ग्रह के बारे में बहुत सारी जानकारी मिली। इसके अलावा एक रोवर मिशन था, रोवर मिशन का होता है मंगल पर लैंड कराकर उसको रोवर कराना। तो ये सोजर्नर मिशन था, ये नासा द्वारा लॉन्च किया गया था
4 दिसंबर 1996 को, और फिर ये आपका 84 दिन बाद ये खत्म हो गया। 84 दिन तक इसने ऑपरेट किया, सक्सेसफुल रहा था पहला रोवर मिशन। तो अब ऐसा करते हैं, थोड़ा सा कंपाइल करते हैं। पहला लैंडर मिशन, पहला फ्लाई बाई मिशन, यानी कि जो मंगल के ग्रह के पास तक पहुंचा, नासा द्वारा 28 नवंबर 1964 को, मैरिनर 4। पहला लैंडर मिशन सक्सेसफुल 28 मई 1971 को, जब पहली बार मंगल को किसी ने छुआ, नाम था मार्स 3, सोवियत यूनियन द्वारा, यानी कि सोवियत संघ द्वारा भेजा गया। उसके बाद पहला ऑर्बिटर मिशन 30 मई 1971 को सक्सेसफुल हुआ, मैरिनर 9, 30 मई 1971 को, और यह पहुंचा था 14 नवंबर 1971 को। उसके बाद आपका सोजर्नर, यानी कि पहला रोवर मिशन भेजा गया 4 दिसंबर 1996 को, जो पहला रोवर अनदर प्लेनेट पे, यानी किसी दूसरे ग्रह पर पहली बार किसी रोबोट को चलाया गया था मंगल ग्रह पर। भारत की तरफ से यह कोशिश पहली बार ही की गई थी 5 नवंबर 2013 को, और यह मिशन हमारा 24 सितंबर 2014 को मंगल पर पहुंचा था। यह एक ऑर्बिटर मिशन था जो अभी तक हमारे लिए डेटा जुटा रहा है और डेटा हमें पहुंचा रहा है। तो हाल फिलहाल भारत का जरूर याद रखिएगा 5 नवंबर 2013 को। ये रहे मंगल मिशन से जुड़ी हुई जानकारी। क्योंकि संयुक्त अरब अमीरात की बात हुई, तो संयुक्त अरब अमीरात हाल ही में चर्चा में क्यों रहा? नया नेचुरल गैस रिजर्व मिला है अभी हाल ही में, जो 80 ट्रिलियन क्यूबिक फीट का है यूएई में। यूएई जो है ये पहला ग्रेजुएट लेवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी बनाने वाला है, विश्व में पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी होगी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आपको ग्रेजुएशन करवाएगी। अबू धाबी को अभी हाल ही में वर्ल्ड का लीडिंग स्पोर्ट टूरिज्म डेस्टिनेशन चुना गया है WTA अवार्ड वाला, यानी कि वर्ल्ड ट्रैवलिंग अवार्ड द्वारा। अगर आप खेल के नाम से टूरिज्म करना चाहते हैं या खेल के दुनिया में टूरिज्म करना चाहते हैं, तो आपके लिए अबू धाबी सबसे बढ़िया डेस्टिनेशन रहेगा वर्ल्ड ट्रैवल अवार्ड के मुताबिक। इसके अलावा विश्व का सबसे पुराना मोती जो है, अभी हाल ही में अबू धाबी में आइसलैंड यानी अबू धाबी द्वीप में द्वीप में देखा गया है, यानी कि विश्व का सबसे पुराना जो नेचुरल पर्ल है, यानी कि प्राकृतिक मोती है, वो अभी अभी अबू धाबी में देखा गया था, अबू धाबी में मिला था। तो ये कुछ चर्चाएं थी संयुक्त अरब अमीरात के बारे में। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी, डायलिंग कोड +971, क्षेत्रफल है 83,600 किलोमीटर स्क्वायर, मुद्रा चलती है दिरहम, जनसंख्या है 9.631 मिलियन। आप ऐसा देख सकते हैं 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो 9.631 मिलियन में कितने लाख हो गए। तो राष्ट्रपति जो है वो खलीफा बिन जायद अल नहयान है, और ये रहा UAE। इधर ओमान की खाड़ी है और इधर फारस की खाड़ी है, बीच में आपको संयुक्त अरब अमीरात मिल जाएगा। इधर आपको ओमान दिखेगा, इधर आपको कतर दिख जाएगा, नीचे आपको सऊदी अरब यहाँ पे मिलेगा। तो ये संयुक्त अरब अमीरात है। अगली जानकारी की तरफ चलते हैं। कैथी सुविलिन, अंतरिक्ष यात्री कैथी सुविलिन अब समुद्र की सतह से लगभग 7 मील नीचे चैलेंजर द्वीप तक पहुंचने वाली पहली महिला बन गई है। अंतरिक्ष में चलने वाली पहली महिला का जो किताब है वो भी इन्हीं के नाम है, कैथी सुविलिन के नाम। डॉक्टर सुविलिन को अंतरिक्ष में चलने और समुद्र के सबसे गहरे बिंदु तक उतरने का पहला व्यक्ति माना जाता है। चैलेंजर द्वीप दुनिया में समुद्र का सबसे गहरा बिंदु है। अब आप कहेंगे सर सबसे गहरा तो मेरियाना गर्त है, सबसे गहरा स्थान मेरियाना गर्त है, और मेरियाना गर्त में भी एक ऐसा पॉइंट है जो सबसे निचला बिंदु है। इसकी दूरी अभी तक नापी नहीं गई है, इसकी गहराई जो है वो अभी तक नापी नहीं गई है। ऐसा माना जाता है कि 11,000 मीटर तक इसकी गहराई है। मतलब ये अंतरिक्ष में भी गईं कैथी सुविलिन, सबसे पहले स्पेस वॉक भी इन्होंने किया, और ये आपकी समुद्र में सबसे गहराई पर भी गई, यानी सबसे ऊपर भी गई और सबसे गहराई पर भी गई। तो ये पहली ऐसी व्यक्ति हैं जिन्होंने दोनों, यानी कि ये एस्ट्रोनॉट भी रहीं और ओशनोग्राफ भी रहीं। तो ये पूरी तरीके से ये कैथी सुविलिन, इनका नाम याद रखने लायक है। अब बता दें आपको मेरियाना ट्रेंच के बारे में, लेकिन उससे पहले अंतरिक्ष में सबसे पहले चांद पे रखने वाली जो महिला थी उनका नाम था वेलेंटीना टेरेस्कोवा, और ये पहली अंतरिक्ष यात्री महिला भी थी जिन्होंने अंतरिक्ष में कदम रखा था, और ये सोवियत यूनियन से बिलोंग करती थी, यानी कि सोवियत संघ से बिलोंग करती थी। आपको ये नीचे ऑस्ट्रेलिया नजर आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया से ऊपर आएंगे पपुआ न्यू गिनी नजर आएगा, इधर इंडोनेशिया नजर आएगा, चाइना नजर आएगा, जापान नजर आएगा। आई थिंक आप मैप में एग्जैक्ट लोकेशन पे पहुंच गए हैं कि मेरियाना ट्रेंच कहां पर है। मेरियाना ट्रेंच ये है, और यहां पर एक छोटा सा पॉइंट है चैलेंजर डीप, इसकी जो गहराई है वो आज तक नहीं नापी गई, लेकिन आप ये मान सकते हैं कि माउंट एवरेस्ट से भी ये ऊंचा है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848। इसकी कितनी है? इसकी लगभग 11,000 मीटर है। 11,000 मीटर का मतलब ये हो गया कि माउंट एवरेस्ट से भी 1 मील आगे है। तो इस पर इन्होंने गोता लगाया। एक खबर मैंने आपको कल भी सुनाई थी कि मेरियाना गर्त में होइदू 1 जो है ये चाइना का एक सबमर्सिबल है जो उतर गया था, और ये अनमैन्ड वेकल था, मतलब इसमें कोई आदमी नहीं था, मानव रहित एक सबमर्सिबल था जो उसमें गया, होइदू 1 नाम जरूर याद रखिएगा। ये भी मेरियाना ट्रेंच में गहराई तक पहुंचा था।
अगली जानकारी तक चलते हैं। अगली जानकारी है आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने महामारी के कारण अपनी आजीविका जुटाने में असमर्थ टेलर्स, नाई या वॉशरमैन की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक योजना शुरू की है। उसका नाम है जगन्ना चेदुड़ू योजना। जगन्ना चेदुड़ू योजना जो है इसका सीधा सा मकसद ये है कि जो भी आपके टेलर हैं या जो भी आपके नाई हैं उनको कुछ रोजगार प्रदान करना। उनको कुछ रोजगार किस तरीके से प्रदान किया जाएगा? इस योजना के अंतर्गत 60 वर्ष से कम आयु के 2.47 लाख लाभार्थियों को 10,000 रुपए की एक मुफ्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसमें 82,347 राजकास जिसे धोबी कहा जाता है, 38,767 ब्राह्मण नाई और 1.25 लाख दर्जियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने 3 अगस्त को फिर से खुलने वाले स्कूल के दिन सभी छात्रों को एक स्कूल किट प्रदान करने की घोषणा की है। प्रत्येक किट में किताबें होंगी, नोटबुक होंगे, जूते, मोजे और 3 जोड़ी वर्दी दी जाएगी। राज्य सरकार ने इसके लिए 40 लाख छात्रों को के लिए वर्दी बनाने का ऑर्डर दिया है और ये ऑर्डर जो है इनको इसी तरीके से मिलेगा। एक तरह से मतलब कि सरकार सहायता कर रही है, उनको काम भी दे रही है, साथ में 10,000 रुपये वित्तीय सहायता भी दे रही है और इसका जो नाम है वो है जगन्ना चेदुड़ू योजना। अब चूंकि आंध्र प्रदेश की बात छुड़ी है तो मैंने आपको कुछ दिन पहले ही बताया था, 2-3 दिन पहले की बात है, शायद 9 जून की न्यूज़ है कि आंध्र प्रदेश जो है वो पहला एक वेस्ट मैनेजमेंट पोर्टल लॉन्च किया है उन्होंने। आंध्र प्रदेश ने वेस्ट मैनेजमेंट पोर्टल लॉन्च करने का क्या मतलब है? कचड़े को बदले वो आपको रुपए देंगे या कुछ सहायता उसके वगैरह प्रदान करेंगे। तो आंध्र प्रदेश कैबिनेट ने अभी हाल ही में 3 कैपिटल बनाने की बात की है, यानी आंध्र प्रदेश में 3 कैपिटल होंगी, 3 राजधानी होंगी, एक विशाखापट्टनम, एक अमरावती और एक कुर्नूल। इसके अलावा सीएम जगन मोहन रेड्डी ने अभी हाल ही में वाईएसआर आरोग्यश्री स्कीम शुरू की थी ताकि जो भी बीमार लोग हैं उनको सहायता दिया जा सके, उनको फ्री में इलाज किया जा सके, तो ये एक बीमा सुविधा है। आंध्र प्रदेश के सीएम ने अभी हाल ही में 6,318 करोड़ की जगन्ना अम्मा वोडी योजना शुरू की है। ये उन महिलाओं के लिए है जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं और वो स्कूल का खर्च वहन करने में असमर्थ है। पहली बार विजाग यानी कि आपका विशाखापट्टनम जो है ये 14वां ग्लोबल हेल्थ केयर समिट 2021 जो है उसको आपका आयोजित करेगा। 2021 में 14वां ग्लोबल हेल्थ केयर समिट यानी कि 14वां वैश्विक स्वास्थ्य लाभ यानी कि स्वास्थ्य केयर या हेल्थ केयर समिट जो होगी वो आयोजित की जाएगी। आंध्र प्रदेश अभी हाल ही में इंडिया का पहला फ्रूट ट्रेन शुरू किया। पहली फ्रूट ट्रेन जो है वो आंध्र प्रदेश से शुरू की गई। इसमें केला लादा गया था और केले को वहां पर नोवा सेवा तक पहुंचाया गया था। वाईएसआर पेंशन कनका योजना, ये वृद्धावस्था पेंशन कनका योजना है। इसमें वृद्धावस्था में जो पेंशन मिलती है वो सीधे उनको ऑफिस तक नहीं जाना पड़ेगा, उनके घर तक इस पेंशन को पहुंचाया जाएगा। और इसमें एक उन्होंने बड़ा काम किया है कि जो 65 वर्ष की आयु से पेंशन शुरू होती थी अब वो 60 वर्ष से शुरू हो जाएगी। आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी ने अभी हाल ही में नाडू नेडू स्कीम शुरू की है ताकि जो उनके हॉस्पिटल है उनको अच्छा डेवलप किया जा सके, उनको मॉडर्नाइज किया जा सके। और जगन मोहन रेड्डी जी ने अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश में पहला दिशा पुलिस स्टेशन राजा महेंद्र वर्मम नगर में शुरू किया। इसके अलावा आंध्र प्रदेश पहला ऐसा स्टेट है जिसने दिशा कानून पारित किया है। हैदराबाद में जो वेटनरी पशु चिकित्सक डॉक्टर थी और उनके साथ जो जघन्य अपराध हुआ उसके खिलाफ, उसके लिए ऐसा कोई अपराध दोबारा ना हो इसके लिए एक दिशा कानून पारित किया गया है। आंध्र प्रदेश जो है ये आपका पहला है कंट्री में जिसने पोषण अभियान को अच्छी तरह से इंप्लीमेंट किया है, यानी पोषण अभियान जो कि कुपोषण से जुड़ा हुआ है और इसमें आंध्र प्रदेश की जो रैंक है वो पहली है। आंध्र प्रदेश ने ही अभी हाल ही में निगाह नाम का ऐप लॉन्च किया था ताकि जो भी चुनाव में आपकी फर्जी वोटिंग हो जाती है उसको रोकने के लिए, और किसी भी तरह का अगर चुनाव में कुछ गलतियाँ होती हैं तो उसको रोकने के लिए निगाह ऐप लॉन्च किया है। 25 लाख गरीबों को अभी हाल ही में एक हाउस देने के लिए या उनको घर खरीदने के लिए जमीन देने के लिए एक योजना शुरू की गई थी, नवरत्नलु पेदला द्रिकी इल्लू प्रोग्राम। तो ये नवरत्नलु पेदला पेदा लंदरिकी इल्लू काफ़ी मुश्किल है थोड़ा सा बोलना, तो ये योजना जो है ये गरीबों को 25 लाख गरीबों को घर देखने की योजना थी। चीफ मिनिस्टर हैं येदुगुरी संदनिति जगमोहन रेड्डी और गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिश्चंदन। स्टेट बर्ड इंडियन रूलर ब्लैक बक यानी काला हिरन स्टेट एनिमल है और स्टेट ट्री है आपका नीम का पेड़। तो ये सारी जानकारी आपके पास हिंदी में भी उपलब्ध है, आप इसे पढ़ सकते हैं और ये आगे चलते हैं। अगली जानकारी है आंध्र प्रदेश के से ही जुड़ी हुई। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में पनडुब्बी जब खराब हो जाती है और उनको बचाने के लिए या बचाव कार्य के लिए एक डीप मर्ज एक व्हीकल लॉन्च किया गया है। इसका नाम रखा गया है डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल यानी कि DSRV कॉम्प्लेक्स का अनावरण किया गया। इस कॉम्प्लेक्स में वो शामिल की गई है।
नई पनडुब्बी बचाव प्रणाली को समायोजित करने और राज्य में बचाव के लिए तैयार रहने के लिए डीएसआरवी परिसंपत्तियों को संग्रहित करने के लिए डिजाइन किया गया है। यानी कि जो भी आपकी सबमरीन होती हैं, जो भी आपकी जमीन पानी के अंदर वहां पे खराब वगैरह हो जाती है, तो उनको सुधारने के लिए इस लॉन्च व्हीकल को लॉन्च किया गया है। और इसको लॉन्च कहाँ किया गया है? आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। देखिए, विशाखापट्टनम एक ऐसा पोर्ट है जहां पर आप इस तरह की चीजें लॉन्च कर सकते हो। कोई भी आप शिप लॉन्च करते हो तो विशाखापट्टनम में लॉन्च कर सकते हो, क्योंकि उसका जो पोर्ट है वो प्रॉपर अच्छा है इस तरह से लॉन्च करने के लिए। अगली जानकारी है, 3 विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, भारत सरकार के 3 संस्थानों ने नेचर इंडेक्स 2020 में स्थान पाया है। नेचर इंडेक्स में उन लोगों को स्थान मिलता है, उन संस्थानों को स्थान मिलता है जो प्रकृति विज्ञान में आपका बायोलॉजी भी आता है, आपका जूलॉजी भी आता है, आपका एनवायरमेंट भी आता है, सभी कुछ इसके अंतर्गत आता है। यानी कि प्रकृति का पूरा अध्ययन करने का जो विज्ञान है उसके अंतर्गत आता है। अगर प्रकृति विज्ञान से जुड़ी हुई कोई नई खोज की जाती है, कोई नया संसाधन बनाया जाता है, तो उसमें अच्छे प्रयास के लिए इन यूनिवर्सिटीज को या इन संस्थानों को थोड़ा मान्यता दी जाती है, इन संस्थानों को पुरस्कार दिए जाते हैं। तो हाल फिलहाल वार्षिक सरणी में उन संस्थानों और देशों पर प्रकाश डालती है जिन्होंने 2019 में प्राकृतिक विज्ञान में उच्च गुणवत्ता वाले अनुसंधान को प्रकृति सूचकांक द्वारा ट्रैक किया था। 3 संस्थानों की सूची में हमारे जो आए हैं वो 30 यानी कि जो शुरू के 30 संस्थान हैं उनमें से एक में आए हैं। एक है IACS यानी कि इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस, कोलकाता, इसका 7वां स्थान रहा है। JNCASR यानी कि जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च, बेंगलोर, इसका 14वां स्थान रहा है। कोलकाता का एशन बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंस, इसका 30वां स्थान रहा है। यानी कि टॉप पर रहा है इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये इंस्टीट्यूट कहाँ है, कोलकाता में है, इतना जरूर याद रखिएगा। इसका जो स्थान मिला है 7वां। सूची में शामिल अन्य भारतीय संस्थान है, 160वें स्थान पर आया है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR और भारतीय विज्ञान संस्थान ISC बेंगलोर 184वें स्थान पर इसमें आया है। तो फिलहाल 3 विश्वविद्यालय हैं, 3 संस्थान ऐसे हैं जिनको नेचर साइंस इंडेक्स में स्थान मिला है शीर्ष 30 में। एक है इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस कोलकाता, जितने बार मैं बोल रहा हूँ उतने बार आप भी ध्यान से पढ़ें तो आपको बाद में याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। JNCASR यानी जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च, बेंगलोर 14 नंबर पर, और कोलकाता का एसएन बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंस 30वें नंबर पर। अगली जानकारी है, भारतीय संगीतकार और ऑस्ट्रेलिया की कलाकृति संगीत संगठन की संस्थापक शोभा शेखर को मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया जाएगा। मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया में समुदाय या वैश्विक अथवा घरेलू स्तर पर उत्कृष्ट योगदान करने वाले व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जो किसी विधा को आगे लेकर आते हैं। तो फिलहाल ये पुरस्कार मिला है शोभा शेखर जी कलाकृति संगीत संगठन के संस्थापक हैं, उन्हें ऑस्ट्रेलिया का मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है। इससे पहले अगर आपको याद हो तो ऑस्ट्रेलिया का जो सर्वोच्च सम्मान दिया गया था, सर्वोच्च नागरिक सम्मान अभी दिया गया था, वो बायोकॉन की MD किरण मजूमदार शाह को दिया गया था। अगली जानकारी है, उत्तराखंड ने अपने तरह का, अपने राज्य का सबसे बड़ा जैव विविधता वाला पार्क खोला है। इस जैव विविधता वाले पार्क में कई सारी जड़ी बूटियों के बारे में बताया गया है, कई सारे ऐसे जैव विविधता वनस्पतियों के बारे में बताया गया है, ताकि जो आप हैं आपको जो है उनके बारे में थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त हो सके और आप उनके बारे में कई सारी चीज़ें जान सकें। तो उत्तराखंड का खुद का सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क कहाँ खोला गया है? वो हल्द्वानी में खोला गया। यहाँ पर एक बड़ा चीज़ आता है कि वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, ध्यान रखिएगा। वन और शायद इसी चीज़ को बताने के लिए मैंने ये न्यूज़ रखी है, अदरवाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देश का सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क नहीं है, ये उत्तराखंड का जैव विविधता सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क है जो कि हल्द्वानी में खोला गया, और इसके लिए 5 साल से काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी की जा रही थी। तो देश का वन अनुसंधान संस्थान जो है वो आपका देहरादून में स्थित है, जबकि देश का सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क जो है वो है यमुना जैव विविधता पार्क, जिसमें 9,770 हेक्टेयर भूमि पर यह फैला हुआ है, और ये आपको नई दिल्ली में देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपको कई अलग अलग तरह की जैव वनस्पति देखने को मिलेगी। जैव विविधता का मतलब होता है अलग अलग तरीके का फ्लोरा एंड फौना, अलग अलग तरह के जीव जंतु मिलना, अलग अलग तरह के मतलब कई सारे प्रकार के विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं का एक जगह पर इकट्ठा हो जाना, विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों का एक जगह से इकट्ठा हो जाना। क्यों? क्योंकि हमारी जलवायु इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करती, हमारी जलवायु किस चीज़ को सपोर्ट करती है? जिस तरह की जलवायु होगी वहाँ पर उसी तरह के पेड़ पौधे जमेंगे। ऐसा बहुत कम जगह होता है जहाँ पर कई तरह के पेड़ पौधे एक साथ जम जाएं या कई तरह की वनस्पतियां एक साथ उपस्थित हो जाएं, तो इसे कहा जाता है बायोडायवर्सिटी। तो जो आपका जैव विविधता है, हाल फिलहाल उत्तराखंड का सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क जो है वो हल्द्वानी में अभी खोला गया है, जहां पर
उत्तराखंड के वन अनुसंधान विंग जैव विविधता पार्क 18 एकड़ में फैला हुआ है और इसमें लगभग 500 प्रजातियों के साथ 40 विषयगत खंड बनाए गए हैं। अगली जानकारी है, स्वतंत्रता सेनानियों के कल्याण के लिए एक समिति का गठन किया गया है ताकि जो स्वतंत्रता सेनानी है उनको प्रॉपर तरीके से पेंशन वगैरह मिलती रहे। और ये समिति का गठन है, सिर्फ एक लाइन आपको याद रखनी है कि इस समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया है। इस समिति का जो गठन है वो गृह मंत्रालय के जो राज्य मंत्री हैं जी किशन रेड्डी जी के अध्यक्षता में किया गया है। इस पैनल में रेड्डी के अलावा गुजरात के पूर्व कांग्रेस विधायक दिनाकर भाई देसाई भी शामिल हैं, जिन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था। और इसके अलावा 9 प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी भी इसके सदस्य बनाए गए हैं। जी किशन रेड्डी की बात करें तो भारत के गृह राज्य मंत्री हैं। वर्तमान में भारत के गृह मंत्री कौन है? अमित शाह हैं, भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं। 15 जून 1964 को इनका जन्म हुआ था और सिकंदराबाद से लोकसभा के सांसद हैं। अगली जानकारी है, गुजरात के गिरवन में एशियाई शेरों की आबादी में लगभग 29% की वृद्धि हो गई है। 2015 में आखिरी गिनती के समय गिर के जंगलों में शेरों की तादाद 523 थी, वहीं अब बढ़कर 674 हो गए हैं, जिसमें 260 मादा हैं, 161 नर हैं, 93 उपवयस्क हैं और 137 शावक हैं। शेरों की आबादी की गिनती गुजरात के राज्य वन विभाग के हर 5 साल पर की जाती है। जारी आंकड़े के अनुसार राज्य में एशियाई शेरों के प्रवास क्षेत्रफल में 36% की वृद्धि हुई है। वर्तमान में राज्य में एशियाई शेरों का प्रवास क्षेत्रफल 2015 के 22,000 वर्ग किलोमीटर से बढ़कर 30,000 वर्ग किलोमीटर तक पहुंच गया है। तो 29% की वृद्धि हो गई है। अब हमारे पास जो एशियाई लायन है गुजरात के अंदर वो कितने हैं? 674 है। और अगली बारी न्यूज फटाफट की, अभी हाल ही में 12 जून को वर्ल्ड डे अगेंस्ट ऑफ चाइल्ड लेबर मनाया गया। तो जैसे कि आप सभी को शायद अंदाजा हो कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के मुताबिक भारत दूसरे नंबर पर आता है जहां पर बाल श्रम पाया जाता है। यानी कि हमारे यहाँ जो बाल मजदूरी करने वाले बच्चे हैं वो विश्व में दूसरे नंबर पर हैं। कहा जाता है पूरे विश्व के 12% बच्चे हमारे देश में बाल मजदूरी करते हैं, जबकि हमारे यहाँ 14 साल तक की उम्र तक के बच्चे को शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। ये उनका मौलिक अधिकार है और शिक्षा का अधिकार अगर नहीं मिलता है तो उसे बाल श्रम ही माना जाता है। उन्हें शिक्षा नहीं मिलती तो बाल श्रम ही माना जाता है। इसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विश्व में सर्वाधिक बाल मजदूर जो है वो अफ्रीका में पाए जाते हैं। और इसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 12 जून को इंटरनेशनल वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर मनाया जाता है, जबकि विश्व श्रम दिवस हम हर साल 1 मई को मनाते हैं। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा इस दिवस को मनाया गया, 2002 में इसको पहली बार बनाया गया था वर्ल्ड लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। तो वर्ल्ड लेबर अगेंस्ट डे जो है ये पहली बार आपका 2002 में सामने आया था। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। वर्तमान समय में इसके मुखिया जो हैं वो गाय राइडर हैं और इसका संस्थापक जो है पेरिस शांति सम्मेलन के दौरान इसको फॉर्मेशन किया गया था। 29 अक्टूबर 1919 में इसकी स्थापना की गई थी। जिनेवा स्विट्जरलैंड ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हेड गाय राइडर। अब बारी है आज के हमारे वन लाइनर की, स्वतंत्रता सेनानियों के कल्याण के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? जी किशन रेड्डी। प्रतिष्ठित 2020 विश्व खाद्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर रतनलाल। और डीप सबमर्जन रेस्क्यू व्हीकल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहां किया गया? अभी मैंने बोला विशाखापट्टनम में। भारतीय विज्ञान संस्थान ISC बेंगलोर को 2020 के प्राकृतिक सूचकांक में कौन सा स्थान मिला है? 184वां। बाल मजदूरी के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया जाता है? 12 जून को। गुजरात के गिर वन इलाके में एशियाई शेर की आबादी में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 29% की। और सरकार ने बांस पर आयात शुल्क 10% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 25% कर दिया है। कौन सा देश मंगल ग्रह पर अपने होप मार्स मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च करते ही पहला अरब देश बन जाएगा जिसने मंगल मिशन भेजा है? तो वो है UAE। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जगन्ना चेदुडू योजना के अंतर्गत 60 वर्ष से कम आयु के लाभार्थियों को कितने रुपए की एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान करने की बात की है? 10,000 रुपए। किसको मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया जाएगा? शोभा शेखर, प्रसिद्ध संगीतज्ञ है और क्लासिकल सिंगर है। किस राज्य के वन विभाग ने राज्य का सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क खोला है? तो उत्तराखंड ने हल्द्वानी में। कौन समुद्र की सतह से लगभग 7 मील नीचे चैलेंजर डीप जो कि मारियाना ट्रेंच का सबसे गहरा बिंदु है वहां पर पहुंची है? तो कैथी सुल्विन। ये पहली महिला बन गई है। अगली बारी है आज के हमारे क्विज की, प्रतिष्ठित 2020 विश्व खाद्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो वह है डॉक्टर रतनलाल। डीप सबमर्जन रेस्क्यू व्हीकल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहां किया गया? विशाखापट्टनम में। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर ने 2020 सूचकांक में कौन सा स्थान पाया है? 184वां। बाल मजदूरी के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 12 जून को। स्वतंत्रता सेनानी को कल्याण के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन है? जी किशन रेड्डी। गुजरात के गिरवन इलाके में एशियाई शेरों की आबादी में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 29% की। सरकार ने बांस पर आया शुल्क 10% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 25%।
कौन सा देश मंगल ग्रह पर अपने होप मार्स मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च करने का पहला देश बन गया है, तो वह है यूएई, बन जाएगा, अभी लॉन्च नहीं किया, 14 जुलाई को लॉन्च करेगा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जगन्नाथ चतुर्थी योजना के अंतर्गत कितने रुपए देने की बात की है, तो 10,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता देने की बात की है। किसको मेडल ऑफ द ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है, तो वो है आपकी शोभा शेखर। किस राज्य ने वन विभाग ने राज्य का सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क खोला है, तो वो है उत्तराखंड हल्द्वानी में। कौन सतह से लगभग 7 मील नीचे चैलेंजर द्वीप दुनिया के सबसे गहरे बिंदु पर पहुंचने वाली पहली महिला बन गई है, तो वो है कैथी सुलविन। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, और उम्मीद करते हैं कि करंट अफेयर्स आपको पसंद आए होंगे। अभी के लिए इतना ही रखता हूँ, थैंक यू सो मच, बाय बाय।